फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्या फन क्रिएटिविटी। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मनी प्लांट की कटिंग को वाटर में कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं बहुत ही इजीएस्ट वे मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक ही मनी प्लांट की कटिंग से हम ढेरों सारे कटिंग्स कैसे रेडी कर सकते हैं ताकि उससे हम न्यू प्लांट्स रेडी कर सके। तो फिर ये बहुत ही अच्छा बेस्ट मतलब सीजन चल रहा है अपनी कटिंग्स को ग्रो करना। तो देखिए दोस्तों, मैंने मनी प्लांट की ये कटिंग ले ली है अपने ही प्लांटर से। तो इस टाइप की आप कटिंग्स ले ले और एक कटिंग से मैं ढेरों सारे आज मैं कटिंग्स रेडी करूंगी। तो सबसे पहले आप लोग ये बात को देखे करके कि जो हमारा जहां से हमारे लीव्स निकलते हैं वहां से ही रूटिंग स्टार्ट होती है और उस एरिया को नोट एरिया कहते हैं। तो पहले मैं कटिंग्स ले लेती हूँ आप लोग को शो करने के लिए। तो मैं ये वाली कटिंग ले रही हूँ, उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाली कटिंग यहाँ से की और उसके बाद फिर से यहाँ से कटिंग की। इसी तरह मैं दूसरे जो मैंने कटिंग ली है वहाँ से भी मैं दो तीन कटिंग्स रेडी कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से अपने सारे कटिंग्स ले लेना है। पहले मैं आप लोगों को जस्ट कट करके शो कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इतनी सारी ढेरों सारी कटिंग्स मैंने कर ली है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, ये देखिए जौन सी मैंने कटिंग ली है जहाँ से रूट निकल रही है उसके जस्ट नीचे वाले से हमने ये कटिंग्स कर लेनी है। नीचे का जो स्टैम्प है वो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही जैसे ही हम पानी में रखते हैं तो वो नीचे का पार्ट वैसे ही गलने स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आपने ये देखना है करके कि जहाँ से उसकी रूट निकल रही है उसके जस्ट नीचे से लेना है, जिस तरह से मैं शो कर रही हूँ। और ये ऊपर का जो हिस्सा है वो स्टैम्प है उसको भी काट के अपने हटा देना है क्योंकि ऊपर का जो पार्ट है रूट के वो हमारे कोई काम का नहीं है। देखिए दोस्तों, मेरी इतनी सारी कटिंग्स रेडी हो गई है मनी प्लांट की और जो बाकी जो मैंने काट के साइड में रखा था वो सबको मैं हटा दूंगी क्योंकि उन सब कटिंग्स की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अभी इसे पानी में किस तरह से इसकी रूट डेवलप कर सकते हैं मैं आज आप लोग को शो करूंगी। तो मैंने ले लिया है एक ग्लास का बॉटल और उसमें मैंने सिंपली पानी भर दिया है। तो सारी हमें ये ध्यान रखना है कि जो नोट पार्ट है जब भी हम उस पानी में डालें तो वो नोट पार्ट हर समय पानी के अंदर रहे, ये ना हो कि नोट पार्ट ऊपर ही फ्लोट करते रहे। और ऐसे करने से आपकी जो कटिंग्स है कभी सक्सेस नहीं होगी। तो आप लोग ये हमेशा कोशिश करिए करके कि जब भी आप कटिंग्स ग्रो करें उसका जो नोट पार्ट है वो हर समय पानी के अंदर रहे। तो बड़े ध्यान से आप लोगों ने सारे कटिंग्स को उस बॉटल में डाल देना है और पानी आपने थोड़ा इतना ध्यान रखना है करके कि आपका जो नोट पार्ट है हर समय पानी के अंदर डिप रहे। कि इसलिए मैंने ये ग्लास का जार लिया है, ग्लास का बॉटल लिया है ताकि हम लोग जब भी कटिंग्स ग्रो करें जब उसमें रूट डेवलप हो तो हम लोग उसको बार बार बाहर से ही चेक कर सके क्योंकि ग्लास की बॉटल रखने से हम बाहर से ही उसकी रूट्स कितनी डेवलप हो रही है वो हम देख सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट हम ये सॉइल में ग्रो करते हैं तभी भी सक्सेस होती है, बट हमारे मन में डाउट रहता है करके कि उसमें रूट्स आ रही है कि नहीं, इसलिए हम बार बार उसको चेक करने के लिए कभी कभी ये मिस्टेक कर देते हैं। रूट डेवलप होने के पहले ही हम उसको सॉइल से निकाल कर चेक करते हैं और बाद में देखा जाता है कि वो कटिंग्स में रूट्स निकली नहीं है और वो कटिंग्स भी हमारी सक्सेस नहीं हो पाती है। इसीलिए बेस्ट तरीका है पानी में रूट्स ग्रो करना। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सारे कटिंग्स मैंने पानी में डाल दिया है। अब हमारा ये काम है जब भी हम वाटर में इसको ग्रो कर रहे हैं तो आपको उस लोकेशन में रखना है जहां पर आपकी सनलाइट इनडायरेक्ट से आती हो। ऐसा गलती कभी ना करें कि डायरेक्ट अपने आउटसाइड में रख दिया है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो। आप इस कटिंग्स को, इस बॉटल को ऐसी जगह प्लेस करिए, या तो आप किचन के कोई भी विंडो के साइड में रख सकते हैं या तो रूम में जहाँ पर आपने जहाँ के आपके विंडो से इनडायरेक्ट बेसिस रोशनी आती हो। और आपने हल्के हल्के कभी कभी बीच बीच में ऊपर से मिस्टिंग जरूर कर दीजिए। मैंने एक घर में पड़ी हुई एक छोटा सा स्प्रे बॉटल को लिया है और इसे आप डेली मॉर्निंग में या तो इवनिंग में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्प्रे करते रहिए, मिस्टिंग करते रहिए ताकि इसमें मॉइस्चर लेवल बना रहे। और आपने इसे ऐसी जगह प्लेस कर दो जहाँ पर इनडायरेक्ट वे में सनलाइट आ रही हो। इसके बाद आपने क्या करना है, हर दो या तीन दिन के बाद इसके पानी को चेंज करते रहना है।
करते समय हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब दोबारा उसमें कटिंग्स डालें तो उसका जो नोट पार्ट है वो हर समय पानी के अंदर रहना चाहिए, पानी के ऊपर कभी ना फ्लोट करे, आप ये ध्यान रखें। तो मिलते हैं 25 डेज के बाद और आपको मैं उसका रिजल्ट बताती हूँ। दोस्तों आज पूरे कटिंग्स ग्रो करते हुए मेरे 25 डेज पूरे हो गए हैं, तो आज मैं अपने कटिंग्स चेक करूंगी। तो मैं आज आप लोग के सामने सारे कटिंग्स को हटाकर, पानी से हटाकर आप लोग को दिखाऊंगी कि किस तरह से इसमें ग्रोथ आई है। तो बाहर से ही आप लोग को नज़र आ रहा होगा इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट रूट्स वाइट कलर के इसमें डेवलप हो गई है। तो अभी मैं धीरे धीरे सारे कटिंग्स को निकालूंगी आफ्टर 25 डेज के बाद, इसकी डेवलपमेंट को आपको दिखाना पसंद करूंगी। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाली कटिंग को निकाला और देखिए इसमें रूट्स आ गई है बहुत ही छोटी छोटी 25 डेज के बाद। रूट्स तो 25 डेज के पहले भी आ जाती हैं, बट मैंने 25 डेज पूरा रखा ताकि अच्छे से इसमें रूट्स डेवलप हो जाए, ताकि आप लोग को मैं शो कर सकूं। एक एक करके मैं सारे ये कटिंग्स आप लोग को दिखाना पसंद करूंगी, ताकि आप लोग जान सके कितने हद तक मैं सक्सेस हो गई हूँ। देखिए नोट पार्ट से बहुत ही सुंदर इसकी रूट्स डेवलप हो गई है, कहीं कहीं पे तो दो दो रूट्स भी आ गई हैं और कहीं पे एक। तो रूट्स हमारे नोट एरिया के से ही डेवलप होती है, इसलिए आप जितना कोशिश करें जब भी आप पानी में ग्रो करें उसका नोट पार्ट हर समय वाटर में डिप रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भी बहुत ही अच्छी रूट डेवलप हो गई है और एक ही कटिंग से मैंने एक जो मनी प्लांट की स्टैम्प ली थी उससे मैंने ढेरों सारी कटिंग्स रेडी कर ली है और मेरे काफ़ी बहुत सारे मेरे प्लांट्स रेडी हो गए हैं। देखिए इसमें कितनी सुंदर रूट्स डेवलप हो गई है, इससे हमें पता लगता है कि पानी में अगर रूट डेवलप करना चाहे तो बहुत ही इजीली बिना उसको बाहर से बॉटल से बाहर निकाले ही हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही छोटी सी रूट डेवलप हो गई है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाएं ताकि बहुत ज़्यादा इसमें रूट्स आ जाए। और देखिए इसमें अभी रूट नहीं निकली है, मे बी ये 2-3 दिन के बाद इसमें रूट्स आ जाएंगी, बिकॉज ये अभी भी कटिंग बहुत ही फ्रेश लग रही है। तो मैं इसे फिर से 2-3 दिन के लिए डिप करके रख दूंगी ताकि इसमें भी रूट्स आ जाए। तो हमें काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगानी है पानी में, क्योंकि अगर हम 20 कटिंग्स लगाते हैं उसमें से 2 या 3 कटिंग फेल हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स कितना इजी वे है पानी में ग्रो करना, और इसे अब हम धीरे से चाहे तो इसे हम पानी में ही रख सकते हैं, या तो हम इसे फिर से सॉइल दूसरे प्लांटर में सॉइल में हम लोग इसे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपने इस वीडियो में आप लोग को दिखाया है कि किस तरह से बहुत ही इजी वे में हम लोग वाटर में इसके रूट को डेवलप कर सकते हैं, और एक ही ये कटिंग के थ्रू बहुत सारे हम लोग कटिंग्स करके उसमें से प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे है जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। यदि आप चाहते हैं तो डायरेक्ट आप सॉइल में भी इसके रूट डेवलप कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से वाटर में रूट डेवलप करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग इसे बाहर से ही चेक कर सकते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट के थ्रू। अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।